गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट थर्ड व्हिच इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैम डाउट क्लास कब लोगे? हाँ डाउट क्लास मैं दूसरे सेशन में लूंगी, देखते हैं 12 बजे या तो आज या तो कल। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट ओके मैम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे पास आप लोगों के डाउट्स आ गए हैं जो क्लियर करने हैं। ठीक है, तो जो भी टाइम सुटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। आज 12 बजे अगर पॉसिबल होती है तो आज 12 बजे आई विल इन्फॉर्म। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इट्स योर थर्ड यूनिट, उसके बाद हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म ये बच जाता है। सो यू ऑल आर फैमिलियर विद द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर सॉल्विंग ओडी एंड पीडी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट with some basic definitions which is required to understand the Laplace transformation. Screen is visible to you? Image is clear? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो आता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। सो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इज हमारे पास KST एक फंक्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स SNT। Wait a minute. मान लिया एफ ऑफ टी हमारे पास एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल एंड KST is a non-function of SNT. This is non-function of SNT. तो जो इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है इट्स द इंटीग्रल ऑफ, वी डिफाइन द नोटेशन फॉर द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इज एफ ऑफ एस। कहीं कहीं पर एफ ऑफ एस होगा और कैपिटल एफ भी मेंशन हो सकता है इन सम बुक्स, और इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं टी ऑफ एफ ऑफ टी एंड एस। सो दीज आर द डिफरेंट नोटेशंस विच आर यूज्ड फॉर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो मैंने बताया यहाँ पर एफ ऑफ टी एक फंक्शन है ऑफ वेरिएबल टी, के एस टी इज अ नॉन फंक्शन, यस के एस टी इज अ नॉन फंक्शन ऑफ एस एन टी, and this s may be, this may be, this is a parameter which may be real or the complex, and integral transform of this will be equal to integral from minus infinite to infinite KST f of t dt. This is the integral transform of function f of t, and this KST is known as, this is the kernel of the transformation. इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन,
कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड होता है। तो सपोज मेरे पास ये जो कर्नल है, इस कर्नल को एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है विच वी हैव कंसिडर एज If this kernel is defined as the value 0 when t is less than 0 and e raised to the power minus st when t is greater than 0, इस kernel को हमने इस तरीके से define करा गया है, then the Laplace transformation of the function f of t the Laplace transformation of the function f of t which is denoted by wait a minute कर्नल को डिफाइन करा गया है, द वैल्यू ऑफ कर्नल इज 0 व्हेन टी इज लेस देन 0 एंड ई रेज टू द पावर माइनस एसटी व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल, बिकॉज़ जो ये जो हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स वैल्यू इज के एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इस कर्नल को हमने डिफाइन करा है, इसकी वैल्यू 0 है व्हेन टी इज लेस देन 0 एंड टी इज ग्रेटर देन 0 पे जो इसकी वैल्यू है इट्स ई रेस टू द पावर माइनस एस टी। तो इसी डेफिनेशन से जो एफ ऑफ एस आता है इट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, वहां पे कर्नल की वैल्यू मेरे पास है 0 एंड 0 टू इनफाइनाइट में ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो दिस इज एक्चुअली द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विच वी ऑल्सो राइट इट इन दिस नोटेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। फ्रॉम दिस इंटीग्रल यू कैन इवेल्यूएट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी गिवन फंक्शन, मेरे पास कोई भी फंक्शन गिवन है तो इस डेफिनेशन से मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवेल्यूएट कर सकती हूँ। इज इट क्लियर टू यू? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैम? मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इसका मीनिंग ये है, मैं बता रही हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक पावरफुल टूल है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अभी तक जो हमने मेथड्स ओडी और पीडी के आपने पढ़े हैं, इन द M1 हमने होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करी हैं और अलग अलग मेथड्स से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था, बहुत सारे मेथड्स आपने अभी तक स्टडी करे हैं जिससे हम ओडी सॉल्व करते हैं। तो एक लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सो दिस इज अनदर टूल फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी एंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एनी अदर? मैम ये केएसटी सबके लिए मतलब ये रहता है, मतलब नहीं, केएक्सटी एक नॉन फंक्शन है। नो नो नो, केएक्सटी इज द नॉन फंक्शन व्हिच इज पर्टिकुलरली डिफाइंड। अगर ये जीरो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफाइंड होता है, इस फॉर्म में अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो इट गिव्स द डेफिनेशन फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ द पैरामीटर एस एन टी। यहाँ पर जो एस है ये इट मे बी रियल और द कॉम्प्लेक्स, बट इस अगर ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में डिफाइन है देन इट गिव्स द वैल्यू फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल गिव्स द वैल्यू फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। Is that okay? Yes, any other problem?
कैन वी प्रोसीड? यस मैम। ओके फाइन। सो अब मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, वेदर इट्स इन साइन फॉर्म और द कोसाइन फॉर्म, तो कोई भी फंक्शन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवेल्युएट करने के लिए वी हैव एन इंटीग्रल विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास दो चीज आती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करेगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करेगा। देयर आर द फंक्शंस जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज म्यूट योर माइक। देयर आर द फंक्शंस जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं होता, सो वी हैव अ कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। उसके लिए सबसे पहले आता है कि हमारे पास यहाँ दो डेफिनेशंस और हैं कि कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब होगा और फंक्शन ऑफ क्लास ए कब होगा। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शन तब होता है जब कि अगर मैं उसकी लिमिट फाइंड आउट करूं ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी एफ ऑफ टी एंड द लिमिट मस्ट हैव ए फाइनाइट क्वांटिटी। मींस सपोज कोई भी फंक्शन मेरे को गिवन है and we have to check whether the function is of exponential order or not. Just find out the limit e raised to the power minus alpha t f of t. If the limit gives the finite value, then we call the function is of exponential order. Iska ek example dekhte hain. जैसे सपोज मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और बोल रहे हैं इज ऑफ एक्सपोनेंशियल। प्लीज म्यूट योर माइक। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टी, वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ टी f of t equals to t square is of exponential order 3. So from the definition of exponential order, any function is of exponential order if the limit at t tends to infinite e raised to the power minus alpha t f of t must be of finite quantity. So yahan par main kya kar rahi hu, is limit ko evaluate kar rahi hu, limit at t tends to infinite e raised to the power, iske liye bola gaya exponential order alpha ka hoga, yahan par hame show karna hai exponential order 3. So I am taking 3 in place of alpha here and value of f of t is e raised to the power minus 3t t square. Please mute your mic. Creates a disturbance. Nikhil Soni. E raised to the power minus 3t f of t. Find out its limit. And if the value of the limit is finite, then this function is of exponential order 3, otherwise not. So we have a finite quantity here. You can check the limit at t tends to infinite. And this is 1 upon t raised to the power minus 2. Isko expand kar do, which is 1 plus e raised to the power minus e raised to the power 3t, means this is 1 plus x plus square by 2 factorial and so on. Now apply the limit here, you will get the finite quantity. You will get the finite quantity. So this function is of exponential order 3. So किसी भी function को अगर हमें show करना है it's of exponential order or not, find out this limit and if it gives the finite value, then it's of exponential order.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फंक्शन ऑफ क्लास ए. तो फंक्शन ऑफ क्लास ए के लिए दो conditions हमारे पास हैं. किसी भी फंक्शन को फंक्शन ऑफ क्लास ए बोला जाता है इफ इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन इज इट इज पीस वाइज और सेक्शन कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल. पीस वाइज कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? एज द नेम इंडिकेट्स. कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन द पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन? ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन बता सकते हो? मैम जिसका जो फंक्शन की इक्वेशन है ना, कभी ग्राफिकल अगर अपन उसको रिप्रेजेंट करें तो वो ब्रेक नहीं होती है. यस, ब्रेक नहीं होती. तो पीस वाइज कंटीन्यूअस से हम क्या मतलब समझते हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक पूरा इंटरवल है. यस मैम, कि वो जो अगर अपन उसके छोटे छोटे अगर टुकड़े कर देंगे ना तो वो कंटीन्यूअस होंगे. यस यस यस, कि कोई भी अगर मेरे पास एक पूरा बड़ा इंटरवल है और मैंने उसको पीस वाइज मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है तो हर जगह पर वो फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉन एज पीस वाइज कंटीन्यूअस. सपोज दिस इज द होल इंटरवल एंड वी डिवाइड इट इनटू नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ओवर देयर. तो हर छोटे इंटरवल पर ये कंटीन्यूअस होगा. दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉन एज द पीस वाइज और सेक्शनली कंटीन्यूअस फंक्शन. तो फंक्शन ऑफ क्लास ए फंक्शन तब होता है जब when it is of exponential order function, maybe of alpha or any other order, or it is piecewise continuous function. So, aise function ko hum bolte hain function of class A. Now, the last thing is the existence of Laplace transformation. As I am saying that function, kisi bhi function ka Laplace transformation, it may exist or may not be exist. So, there are some functions jiska Laplace transformation exist hi nahi karta. तो इसके लिए हमारे पास एक ये थ्योरम है. नो नीड टू गो इन द प्रूफ. मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ. ऑल्दो द प्रूफ इज आल्सो अवेलेबल. इफ एफ ऑफ टी इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट. सिंपल. फंक्शन कैसा होना चाहिए? आई एम सेइंग फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और and it's of exponential order alpha at t tends to infinity, तो उस function का Laplace transformation exist करेगा. This is only the sufficient condition, it's not the necessary conditions here. Means there may exist some function कि जिसका Laplace transformation exist करता है but उसके बाद भी function जो होता है piecewise continuous नहीं होता. अगर ये दोनों conditions hold करती हैं then Laplace transformation exist but there may exist some functions कि जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट होता है बट फंक्शन क्या होता है? पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होता. तो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस एग्जाम्पल से ये शो करा गया है एफ ऑफ टी मेरे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी है. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा बट दिस फंक्शन इज नॉट पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज यू कैन सी दैट एट टी टेंड्स टू जीरो द फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट. सो इट्स नॉट पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस. Is it okay? Now we will see some standard functions, some standard elementary functions, Laplace transformation of standard functions, जो आगे problem में हम directly use कर लेंगे. तो मैं अभी उन सब standard functions के आपको proofs भी बता रही हूँ and we will take these as a formula also in numerical problems. तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन आता है वो आता है वन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कि क्या होगा. Laplace transformation of some standard functions. So first aata hai f of t is equals to 1.
इज इक्वल टू वन आ जाता है. तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मैंने बताई है. L of f of t is equals to integral of 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt. This is by the definition of Laplace transform. अब मुझे Laplace transformation जो evaluate करना है, वो one का evaluate करना है. लगभग इसको बहुत ज़्यादा है. हाँ भाई. Keshav, Hemant and Rahul, please mute your mic. The first thing is to mute your mic. मैं बार बार क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. जब आपको बोलने की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको अनम्यूट कर लो. L of 1, it means 0 to infinite, e raised to the power minus st 1 dt. Now simply integrate it, e raised to the power minus st upon s with negative sign, 0 to infinite. Apply the limit, so it will be kitna ho jayega 1 by s, and this s must be greater than 0. So the Laplace transformation. यहाँ पर जो condition s is greater than 0 है, that must be necessary condition because the integral must be convergent in this condition only. So Laplace transformation इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Of one or one is equals to one by s. So this is the first and the standard formula for Laplace transformation. Is that okay? Yes. Clear to you? Next हमारे पास आता है Laplace transformation of t raised to the power n. So इसको जो प्रूफ करके आएगा, it's equals to n factorial upon s raised to the power n plus 1, s is greater than 0. Simple, again apply the definition. वो पहले इसका देखो. मैम एओसी की क्लास है. कितने बजे से है? मैम हमारी भी क्लास है एफएम की. 11 बजे से है ना? हाँ मैम. हाँ तो अभी टाइम है ना मैम? 5 मिनट ही बाकी है. क्लास कितने बजे ज्वाइन करी थी तुमने? मैम 3 मिनट पहले तो ज्वाइन करनी पड़ती ना. देखो यू मे लीव. ठीक है, वैसे भी सेशन 40 मिनट से ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है. ठीक है, इट विल बी ब्रेक विद इन 5-10 मिनट्स. सो इफ यू वांट टू लीव यू कैन. 2 मिनट 3 मिनट में कुछ नहीं होगा. लेट इट कंटिन्यू. एक्सपोनेंशियल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू द पावर ए टी इज 1 अपॉन s माइनस a. मैं 12 बजे वापस क्लास लूंगी. ठीक है, इट विल बी डाउट क्लियर.